रिकॉर्डिंग अलाउड है, बाकी आप चुप हो जाओ भाई। हमने लास्ट टाइम पर ग्रिड को पढ़ा है, इसी ग्रिड को आप आगे कंटिन्यू करते हैं। नाम तो अभी सिनेरियो आता है, लास्ट टाइम पर जो हम बात कर रहे थे, मैं इसे राइट क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये हमारे पास पेज हमने कुछ ऐसा बनाया था, राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट करते हैं इस पर और ग्रिड पर क्लिक करें, हमारे पास लेट्स इस पैनल को मैं नीचे लेके आऊं, हमारे पास यहाँ पर कुछ ग्रिड का ऑप्शन आता है, जब इस पे क्लिक करते हैं तो नंबरिंग बनी हुई आती है, ऐसी कुछ 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग होती है, ये हमने डिस्कशन किया। ठीक है, इन नंबरिंग्स का काफी यूज है हमें वर्किंग जब करनी है तो किस तरीके से। मान लो मैं अपने पेज पर इस भी पेज पर वर्किंग कर रहा हूँ, अब मुझे कोई वेबसाइट बनानी है, डेस्कटॉप पे मैं हूं, तो सबसे पहले मुझे ये एक लेआउट बनाना है। ठीक है, तो इस लेआउट बनाने में आप नोटिस कर रहे होंगे कि हेडर है, नैव है, सेक्शंस के दो पार्ट बने हैं, साइट का एक साइट का सेक्शन है, फुटर है, या फिर अगर हम सिंपली सेंस में बात कर रहे थे, जब हमने वर्किंग करनी है, मान लो मुझे गूगल पर क्लिक किया और मुझे कोई इमेज गैलरी बनानी है, इमेजेस कोई भी इमेज गैलरी जिस पर कुछ छोटा है कुछ बड़ा है ऐसा कुछ। यहाँ पर आप देखिए ये दो को कवर कर रहा है, ये इंडिविजुअली यहाँ पर दो आ रहे हैं ऐसा कुछ है। ठीक है, इस तरीके की चीजों को अगर आपने बनाना है ग्रिड से तो आप कैसे बना सकते हैं, या अगर आप इस सेक्शन से बात कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए ये दो आ रहे हैं, फिर ये अलग से आ रहा है, फिर ये बॉक्स आ रहा है, ये दो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अलग सिनेरियो है, अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये चार बिल्कुल फिक्स है। इस तरीके का काम अगर आपको ग्रिड से करना है, पहली बात तो आप ये नोटिस करना, जो भी ये डिजाइन किया गया होगा इसकी नंबरिंग पहले से खुद से सोचनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आज की डेट में जो टेम्पलेट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूएक्स वाले डेवलपर्स यूज कर रहे हैं वो है एडोबे एक्सडी या फिर फिग्मा, वहां पर नंबरिंग पड़ी हुई आ जाती है, 1 2 3 4 करके जो भी नंबरिंग होती है गैप पे वो आ जाती है। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं सिनेरियो की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास नंबरिंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैसे सोच रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग नहीं है, हालांकि इस पर नंबरिंग पड़ी हुई आ जाती है जब एडोबे एक्सडी पे डिजाइनिंग होते हैं। ठीक है, नंबरिंग का मतलब जो मैंने पीछे ग्रिड पे क्लिक करने के बाद 1 2 3 इस तरीके से जो गैप बने हुए आते हैं उन पे नंबर पड़े हुए होते हैं डिजाइन्स पे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे ये पेज डिजाइन करना है, इसको अगर मैं सिनेरियो बनाकर टारगेट करता हूँ, तो मुझे सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि भाई एक डिव है जो मेन है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 डिव। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा काम सबसे पहले ये किया कि एक डिव बनाया और उसके अंदर क्या बना दिए, 6 डिव बना दिए। फिर मैं ये सोच रहा हूं कि यार जो पहला वाला डिव है वो पहला वाला डिव पूरे के पूरे कॉलम्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है।
दूसरा वाला भी पूरे के पूरे कॉलम्स को कवर कर रहा है। अगर मैं दूसरे सेक्शंस या आर्टिकल की बात करूं तो यहाँ पर अगर नोटिस किया जाए तो ये दो दो शायद कॉलम्स इसमें हैं, ठीक है, ऐसे में बस नोटिस कर रहा हूँ। हालांकि अगर नंबर पड़े हुए होते तो नंबरिंग में क्या दिखाई देता, मुझे गैप दिखाई देता। देखना अगर यहाँ पर आप नंबरिंग को देखते हैं तो देखो 1 2 इस तरीके से नंबर पड़े हुए तो आपको पता चल जाता कि भाई कितने कॉलम्स हैं या कितनी रोज हैं, ठीक है। तो वहां पर सिंपल आइडेंटिफाई होता है। अब यहाँ पर सिंपल आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है तो मैं एक मान के चल रहा हूँ कि यार शायद इसमें दो दो कॉलम्स इन्होंने कवर किए हैं, और अगर इसकी बात करूं तो शायद इसने दो दो कॉलम्स इसने ले रखे हैं और दो रो भी ले रखी है, ठीक है। और ये वाला क्या कर रहा है, चार कॉलम्स को दे रहा है। इस तरीके से मैंने सिंपल सा एक आइडेंटिफाई किया अपने माइंड में, ठीक। अब सबसे पहले से शुरुआत करते हैं, अगर हम पेज पर वर्किंग करें, मुझे ये चीज बनानी है तो मैं इस पर्टिकुलर पेज पर आया, जैसे मैंने f.html का पेज बनाया, नोटिस करना मेरी बातों को, पिछला वाला दोबारा से पढ़ना पड़ेगा अगर आप भूल गए। यहाँ पर shift plus exclamation mark alt plus z और इस जगह पर आया, मैंने क्या किया एक div बनाया, जैसे इसको कंटेनर या कुछ भी एक डिफाइन कर दिया, div कंटेनर इस तरीके से बन लीजिए। यहाँ पर आया कंट्रोल प्लस एस, इसके अंदर 6 div बना दिए, मैंने लिखा 6 div बनने हैं तो div dot item डॉलर मल्टीप्लाइड बाई 6, इस तरीके से मैंने 6 बना दी, ठीक है। सिंपल सी नंबरिंग कर दी, इट्स मैंने इस पे 1 2 3 4 6, ये मैंने सिंपल सा काम किया। इन डिव्स के लिए कुछ बेसिक स्टाइलिंग कर दी ऊपर, ठीक है, बात नहीं भाई पीछे कॉलेज का स्टूडेंट है, मेरे को बोलना पड़ेगा क्या, इसीलिए मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ। कंटेनर इसके अंदर मैंने सिंपल सा एक काम कर दिया, विड्थ डिफाइन कर दी कुछ भी एक 600 पिक्सल, बाद में हटा देंगे, मैंने एक सिंपल सी हाइट डिफाइन कर दी 500 पिक्सल, जो हमने पीछे किया था वही सिंपल सा काम कर दे रहे हैं। लेट्स इस पर एक बॉर्डर डिफाइन कर दे रहे हैं, कितना 1 पिक्सल सॉलिड रेड, इस तरीके से मैंने एक सिंपल सा एक कंटेनर बनाया है, और राइट क्लिक करके ऊपर विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ कि एक कंटेनर के अंदर 6 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और ये 6 बॉक्सेस अभी मुझे सिंपल से ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक। मुझे इसे ग्रिड से काम करना है तो मैं क्या करूंगा, ग्रिड मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ा है, नोटिस करना, यहाँ पर e.html पे मैंने ग्रिड पढ़ा है, ठीक है, मैं सिंपल इसी का तरह काम कर रहा हूँ। मैंने सब अलग अलग करने हैं तो मैं अलग अलग कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पेज पर आया और f.html वाले पेज पर इंडिविजुअली सबको अलग अलग करना है तो f.html पर आप आए, आपने यहाँ पर कंटेनर के अंदर जो भी डिफ पड़े हैं अगर उनके nth चाइल्ड इवन इवन पोजीशंस पे हैं तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया इवन, और लेट्स से इसका बैकग्राउंड कलर अलग कर दिया, कोई भी एक बैकग्राउंड कलर, मैंने कहा जो इवन इवन पोजीशंस पे होंगे लेट्स से उनके बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसे हों, और जो जो ऑड ऑड पोजीशंस पे होंगे कंटेनर के अंदर डिफ के अंदर nth चाइल्ड ऑड उनका बैकग्राउंड कलर मैंने डिफरेंस कर दिया। और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ f.html पेज पर यहाँ पर, ठीक है, अब ये नोटिस करूंगा कि मैंने CSS को किस तरीके से लिख रखा है यहाँ पर, किसकी सब जगह पे सेम लिखी है या अलग लिखी है यहाँ पर, अच्छा कंटेनर, यहाँ पर मैं पेज पर आया कंटेनर सेव किया, जाकर सबके सब क्या है अलग कर दिए मैंने, ठीक है, विड्थ हटा देते हैं पहले वाले से, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरे का पूरा कवर करवा देंगे। ऐसे मैंने इससे विड्थ को मूव कर दिया, जाकर पेज पर देखा तो ये 6 बॉक्स मेरे पास बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। डिव मैंने काउंट कर रखे हैं जब मैं बना रहा हूँ उस टाइम पर, मैंने ये काउंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 डिव, ठीक। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पॉइंट किया था कि भाई शायद 4 कॉलम्स हैं, ऐसा मैं पॉइंट करके चल रहा हूँ।
अगर कॉलम्स चार हैं या पांच हैं उनके लिए नंबरिंग पड़ी हुई होगी, ध्यान देना, सबसे पहले पे वन, बीच में गैप होता तो टू, फिर थ्री, फिर बीच में गैप होता तो फोर, इस तरीके से नंबरिंग पड़ी हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। जो लेआउट बनाएगा, जो फ्रंट एंड का डेवलपर्स होंगे, नंबर पड़े हुए ऐसे इस डिजाइन को नंबर के साथ में देगा। अब यहां पर नंबर नहीं पड़ा है तो मैं खुद से सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार शायद इसमें ना चार कॉलम्स होंगे, ऐसा मैंने सोचा, किसको देखकर, इसको बीच वाले को देखकर, ठीक है। तो ये रेंडम सी सोच है, बस बना रहा हूं तो शायद सोचा है, चार है, पांच है, छह है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर मुझे इन्हें चार के चार कॉलम्स पे डिवाइड करना है, तो आपने ये लास्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अगर मैं यहां पर लिखता हूं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, किस पे, मेन वाले डिस्क पर, इसमें सबसे पहले क्या मैंने ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और मैंने यहां पर रिपीट, लेट से चार बनाने हैं, इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के बना दिए, वन एफ आर, तो क्या होगा, मेरे पास ये जो डिव है वो चार चार में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और मान लो मुझे गैप दिखाना है, तो गैप दिखाने के लिए मैं क्या दिखा सकता हूँ, गैप की प्रॉपर्टी होती है, गैप क्या लिख दिया मैंने, कोई भी एक पिक्सल, लेट से मैंने वन ईम का गैप दे दिया कॉलम्स और रोज के बीच में, क्या हो जाए, गैप हो जाए, ये चार चार पे डिवाइड हो गए, ठीक है। नीचे अगर दो और होते तो नीचे मुझे चार दिखाई देते, ये लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पैनल किया, जब मैं इंस्पेक्ट पैनल कर रहा हूं तो आप नोटिस करना यहां पर, अब सिंपल सा चीज है, ठीक है, बस ये समझना होता है हमें पेज पर। मैंने ग्रिड पे क्लिक किया तो ग्रिड पर क्या हो गए है, नंबर्स आ गए। अगर मैं कॉलम्स पे फोकस करूं तो कॉलम्स पे फोकस करना, वन, बीच में गैप है टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर लास्ट फाइव, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रोज पे फोकस कर रहे हो तो रोज पे फोकस करते समय फिर नोटिस करना, यहां पर वन ऊपर है, यहां पर मेरे पास वन, बीच में टू, और लास्ट में मेरे पास होगा थ्री, इस तरीके से मेरे पास नंबर्स कुछ पड़ जा रहे हैं, ये देखो थ्री, ठीक है। अगर आप निगेटिव सेंस में देखते हो तो लास्ट से माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। मगर मैं पॉजिटिव पे ही रहता हूँ, बहुत सारे लोग इसको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस पे पढ़ा रहे होते हैं, कोई निगेटिव पढ़ाता है, कोई पॉजिटिव पढ़ाता है, ठीक है। मैं पॉजिटिव पे ध्यान रख रहा हूँ कि भाई मेरे पास क्या हो रहा है, वन टू थ्री फोर इस तरीके से कॉलम्स पे नंबर पड़ रहे हैं, और जो गैप है उस पर वन टू थ्री इस तरीके से कुछ नंबर्स पड़ रहे हैं, उन नंबर्स का खेल है बस अब, ठीक है। मुझे क्या करना है, अगर मुझे लेआउट बनाना है, अब मैं ध्यान दूंगा कि मुझे बनाना है क्या उस पर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आया पेज पर, ये वन नंबर हेडर वाला, ठीक है, इस वन नंबर को मुझे क्या कर देना है, बढ़ा देना है, ठीक है। इसको कैसा कर देना है, मतलब एक नंबर से लेकर पांच नंबर तक बढ़ा देना है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अगर मैं सेंस पे बात करूं तो ये है मेरे पास, कुछ बंदे इसको कंफ्यूज करने के लिए निगेटिव दाया बाया करने की कोशिश करते हैं, सिंपल से सेंस पे ध्यान रखना है बस, ठीक है, कि एक नंबर से इसे पांच नंबर पे बढ़ा देना। ऐसे ही मुझे अगर दूसरे वाले नंबर को देखो, उसे भी क्या करना है, एक से पांच तक बढ़ा देना, ठीक है। तो आप बढ़ाते कैसे हैं, उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, बस मैं उस प्रॉपर्टी पे ध्यान रख रहा हूं। मैंने गया पेज पर, जो भी मेरे पास डिव बनाया उस पर्टिकुलर डिव पे फोकस किया, मान लो आइटम वन है तो मैंने आइटम वन पे फोकस किया, आइटम वन। मैंने आपको बोला नंबरिंग ऑलरेडी बनी हुई आपको डिजाइनर्स देते हैं आज की डेट में, बट इस पेज पर अब डिजाइनर नहीं दे दिया है, क्योंकि मैं डिजाइन तो करता नहीं हूँ यूएक्स वाला, तो मैंने एक सिंपल सा रेंडम सा कोई भी पेज डाउनलोड कर रखा है आप लोगों के लिए, चलो इसको बनाकर देखते हैं कैसे सेंस लगाते हैं वो। तो मैंने क्या किया, आइटम वन को, आइटम वन टारगेट किया। अब आइटम वन को मुझे इंक्रीज करना है, अब आइटम वन को मुझे कितना इंक्रीज करना है, क्या करना है, वो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी ग्रिड कॉलम करके, एक प्रॉपर्टी है कॉलम्स को बढ़ाने के लिए, रो को बढ़ाने के लिए ग्रिड रो करके प्रॉपर्टी होगी। कहां से बढ़ाना है, एक से लेकर बढ़ाना है, कहां तक बढ़ाना है, पांच तक, ठीक है, एक से लेकर बढ़ाना है कहां तक, पांच तक, नंबर पे। या तो कुछ कुछ बंदे यहां पर ऐसे भी पढ़ा रहे होते हैं, स्पेन कराते हैं, स्पेन कितना स्पेन कर दो, पांच स्पेन कर दो, ये भी ठीक चल जाता है, ठीक है। कुछ निगेटिव में मेंशन कर देते हैं, वन अपॉन माइनस वन ऐसा कुछ लिख देते हैं, एक से लेकर निगेटिव वन तक चला जाए, निगेटिव था ना पीछे, ठीक है। तो इतना मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं अपने आप को, मैं ध्यान रखता हूं यार पॉजिटिव में रहूं, ठीक है। तो ये तीन के तीन सिंटेक्स चल रहे होते हैं। मैंने सिंपल सा काम किया, वन अपॉन फाइव मतलब एक से लेकर पांच तक इसको बढ़ा दो,
मैं पेज पर आया, मैंने यहाँ पर नोटिस करना है जो भी पर्टिकुलर अब आइटम पे एक से लेकर कहां तक चला गया, पांच तक, ठीक है। ऐसे ही मुझे दूसरे वाले को भी बढ़ाना था, दूसरे को भी बढ़ाना था, मैंने बस फोकस किया अपने डिजाइन पर, ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ अपने अंदर कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है शायद, ठीक है। तो उसको सोच के मैंने दूसरे नंबर पे पॉइंट दिया, मैंने कहा अच्छा दूसरे वाले को भी बढ़ाना है, तो दूसरे वाले में भी सेम ही प्रॉपर्टी देनी थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आइटम नंबर वन से लेकर आइटम टू को भी एक से लेकर कहाँ तक बढ़ा दो, पांच तक, तो कॉमा करके इस पर ही डिफाइन कर दिया। मैंने कहा अच्छा भाई तू भी एक से लेकर पांच तक बढ़ जा, आ जा पेज पर। ये मेरे पास क्या हो गया, एक से लेकर पांच तक बढ़ गए, दो बढ़ गए, ठीक है। अब अगले सेंस पे आता हूं, मैंने कहा यार तीन और तीन नंबर पे और चार नंबर पे, ठीक है, तीन और चार नंबर पे फोकस करना है। चलो तीन पे फोकस करते हैं, ये है तीन नंबर, ठीक है, ये तीन नंबर पे सेक्शन लिखा है। अच्छा तीन नंबर पे डिजाइनिंग मैं ए बी सी डी एक दो तीन ऐसा इसलिए लिखता हूँ कि मुझे पता चलता रहे कि मैं कर क्या रहा, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे सेंस बना रहा हूँ अपने अंदर कि भाई मैंने नंबर दे रखा हो तो मैं उसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, अच्छा ये वाले नंबर पे काम करना है। तीन नंबर पे अगर इस पे फोकस करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है यार शायद ये दो कॉलम्स को कवर कर रहा है, ठीक है, शायद ये दो कॉलम्स को कवर कर रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। मैंने चार पे डिवाइड किया है, आपकी मर्जी, आप चार पे करो, पांच पे करो, छह पे करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको ये बोल दिया है कि भाई जो लेआउट बना हुआ होगा वो लेआउट पहले से बनाया होगा किसी डिजाइनर्स ने, उसमें उस पे नंबरिंग कर रखी होती है, ठीक है, नंबरिंग खुद से पड़ जाती है फिग्मा या एडोबे वाले सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। जब नंबरिंग पड़ जाती है तो फ्रंट एंड वाले के पास मैक्सिमम चीजें होती हैं, बस उसको प्रॉपर्टी लगा देनी जिसपे भी फोकस कर रहे हैं। अब तीन नंबर पे मैं आया, मैंने पेज पर ध्यान दिया कि तीन नंबर का जो डिव है आइटम नंबर, लेट्स से तीन नंबर पे, और आइटम नंबर के इस पर मैं अगर देखता हूं तो क्या हो रहा है, ग्रिड कॉलम वन से लेकर कहां तक, थ्री तक, मैंने ये 1/3 इस तरीके से डिफाइन किया, और जाकर अपने पेज पर देखा कि भाई जो मेरा डिव है ये क्या हो रहा है, वन से लेकर थ्री तक आ रहा है। इसी तरीके से मैंने चार नंबर पे फोकस किया कि चार नंबर पे क्या होना चाहिए, वन से लेकर थ्री तक होना चाहिए, तो मैं चार नंबर पे फोकस किया, मैं अपने पेज पर आया, और मैं ध्यान देते रहूंगा डिप बिगड़ रहा होगा वहां, ठीक है, सेंस पे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा होगा। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी, लेट्स से मैंने ग्रिड कॉलम की प्रॉपर्टी लिखी और यहाँ पर डिफाइन कर दिया वन से लेकर कहाँ तक, थ्री तक, ठीक है, आइटम नंबर फोर पे, अच्छा आइटम नंबर फोर पे, तो सेम ही लिखनी है तो बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या कर दूं ऊपर ही लिख देता हूँ कॉमा करके आइटम नंबर, तो ये मैंने सिंपल सा डिफाइन किया। और जाकर अपने वेज पर अगर इसे फोकस करता हूं तो देखो ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये पांच नंबर को यहां तो नहीं आना चाहिए ना, पांच नंबर कहां होना चाहिए, यहां पर, आप नोटिस करना, अब पांच नंबर मुझे ऊपर करना है, अब ये वाला है, ये वाला था साइड वाला, ठीक है, तो मैं पांच नंबर पे अब फोकस करूंगा कि यार पांच नंबर पे क्या करना है, क्योंकि लेआउट पे थोड़ा स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। मैंने आइटम नंबर फाइव पे फोकस किया, मैंने कहा भाई आइटम नंबर जो फाइव है उस आइटम नंबर फाइव पर, ठीक है। अब आप इस पर ध्यान देना, किस पर, अब नंबरिंग पे ध्यान देंगे, देखो, ठीक है। अब यहां पर मैं पेज पर मैंने क्लिक किया, आप नोटिस करो यहां पर क्या हो रहा होगा, नंबर पढ़ रहे होंगे ना, देखना ऊपर, देखो ये कौन सा नंबर है, तीन नंबर है, आइटम नंबर पांच को तीन नंबर के कॉलम से बढ़ के कहां तक जाना है, पांच तक जाना है, ये सिर्फ फोकस कर रहा हूं, ठीक है, कि भाई उसके नंबर पे ध्यान रख रहा हूं कि तीन नंबर से लेकर इसको पांच तक बढ़ाओ, ठीक है। और इसको रोवाइज भी बढ़ाना है, रोवाइज कहां से बढ़ाना है, रोवाइज बढ़ाना है तीन नंबर से, ठीक है, तीन नंबर से दो पे कवर करवानी है, तो तीन से पांच वहां पर भी ध्यान दूंगा, या तो स्पेन टू लिख देता, मैंने आपको बोला स्पेन टू करके भी लिख सकते थे, ठीक है, कि दो बढ़ा दो, ठीक है। आप नंबरिंग पे ध्यान दे सकते हो या स्पेन कर सकते हो, वो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आपके पास पेज पर। और ये प्रॉपर्टीज मैंने नहीं बनाई है, ध्यान दिया करो हर हमेशा, ये प्रॉपर्टीज किसी टीचर ने नहीं बनाई होती है, कोई भी मैथ इंग्लिश हिस्ट्री किसी टीचर की कोई देन नहीं है इस पे, ठीक है, सब कुछ पहले से बनाया, बस हमें तो उसके तरीके से क्या करना पड़ता है, यूज करना होता है, बस हम उन प्रॉपर्टीज को लिख रहे हैं। आपके पास पेज पर है यहाँ पर आइटम नंबर फाइव, मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी यहाँ पर ग्रिड कॉलम, और ग्रिड कॉलम पर कहाँ से स्टार्ट कर दिया, वन से लेकर थ्री टू फाइव, ओके थ्री टू फाइव करना है इसे, तीन से लेकर पांच तक, मैंने इसे थ्री से लेकर फाइव तक इसे डिफाइन किया, और जाकर अपने पेज पर देखा जो भी मेरे पास ग्रिड फोर है फाइव है, फाइव रो भी बढ़ाना है, देखो तीन से लेकर पांच तक आया है ना, ठीक है, ये ऊपर आ गया, अभी इसे रो भी बढ़ाना है, तो रो में क्या था, नंबरिंग पे ध्यान दिया, ये कौन सी नंबरिंग है, तीन से लेकर कहां तक, पांच तक, तो तीन से लेकर पांच तक पे उस पे फोकस करेंगे अपने पेज पर, कि भाई जिस पे भी मैं काम कर रहा हूं ग्रिड रो, तो ग्रिड कॉलम होगा तो ग्रिड रो भी बनाया होगा इन लोगों ने,
ठीक है, ग्रिड रो। अब तीन से लेकर पांच तक, तो तीन से लेकर पांच तक इस तरीके से मैंने ग्रिड रो की प्रॉपर्टी को यूज किया और जाकर पेज पर देखा, तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब मुझे इसे बढ़ाना है, कहां से लेकर कहां तक, वन टू लेकर फाइव तक। तो ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं एक बार, तो मैं बार बार इसी सीएसएस को क्यों लिखता रहा हूं, यहीं पर कॉमा करके क्या कर दूं, आइटम नंबर सिक्स डिफाइन कर दो, कंट्रोल प्लस एस, सेव किया और जाकर अपने पेज पर देखा, तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर था, ऐसा मैंने अपने पेज पर बना दिया। इज इट क्लियर? अब आप लोगों को मैं जो टास्क दे रहा हूँ वो टास्क ऐसा दे रहा हूँ, आप अभी आपकी सेल से हैं, ठीक है, अभी तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। एक सबसे पहला कुछ आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखा है, सबसे पहला आप ये बनाएंगे, ठीक है, आप सबसे पहले एक डिप बनाएंगे, टोटल अंदर है 10, ठीक है, 10 में से पहले को कितना बढ़ाना है, पहले चार मान लो मैंने चार चार पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, चार चार पे डिवाइड हो जाएंगे, तो उसके बाद पहले वाले पे फोकस करूंगा, यार इसे दो पे कवर कराना है, दो कॉलम्स और दो रोज पे, ठीक है, इस तरीके से इस पर ध्यान दूंगा। अभी दिख रहा है अजय? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 10 डे है, जिसमें से मेरे को सबसे पहले मैंने चार चार पे डिवाइड कर दिया, लेट से फिर मैंने चार चार पे डिवाइड कर दिया, तो फिर मैं सेंस बनाऊंगा कि यार पहले वाले को कितना बढ़ाना है, रो में कितना, कॉलम में कितना, ठीक है, अगले वाले इस वाले को, लास्ट वाले को, इसको 10 नंबर देके कि भाई इसको रो पे कितना, कॉलम पे कितना, किसको कहां सेट करना है, इधर उधर होंगे तो रो और कॉलम दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा पहला टास्क है। उसके बाद आपका जो अगला टास्क है वो टास्क ये है, मतलब कैसे सीखते हैं वाला चीज है ना, टास्क में क्या दूंगा यार, आप इतने बड़े, देखो ये ऐसा कुछ बनेगा, कैसे इमेज इमेज कैसे डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके की ग्रिड्स को कैसे बनाते हैं, इस तरीके का काम कैसे करें, ठीक है, कोई भी दो चार पेजेस बनाकर आप एक दो गैलरी भी बना लोगे तो आपको समझ में आ जाता है बस, ठीक है, कोई भी एक गैलरी उठाकर आपको उस पर इमेज डाल के एक बार चेक कर लेना है। बाकी हाइट विड्थ इमेज का तो फिर सीएसएस इमेज के हिसाब से। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बैकग्राउंड इमेज लगाने में शायद प्रॉब्लम्स आती हैं, आईएमजी एसआरसी का यूज करने में शायद सही चलता है, ठीक है, तो एक बार उसे चेक कर लेना, जब आप बना रहे होगे तो शायद बैकग्राउंड इमेज लगाते समय आपको प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, आप डिम बना रहे हैं तो उसके अंदर ही आईएमजी एसआरसी लिखकर उस आईएमजी के लिए क्या कर रहे हैं, सीएसएस लेके, हाइट विड्थ कितनी बढ़ानी है, क्या करनी है, उस आईएमजी के आईएमजी पे अपनी क्लास देकर उस पर एक बार वर्किंग करके देखें। अगर आपको सीएसएस से लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये मैंने आपको बोला है, ये सबसे अच्छी वेबसाइट है सीएसएस ट्रिक्स एंड, ठीक है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर आपको काफी सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, अगर आप आर्टिकल्स में जाओ, वीडियोस में जाओ, इस पर आपको काफी कुछ नया, ठीक है, दिखाई देता है। सर, जैसे आपके पहले जाते हैं तो उसका जो डिजाइनर होगा पहले इमेज की साइज राइट विड्थ सेट, सब कुछ पहले से दे, सब कुछ पहले से होता है, नंबरिंग भी पहले से बनी हुई होती है, आप तो अच्छा सिनेरियो आ गया है। इसमें बैकग्राउंड को साइज बार बार क्लास करके सेट नहीं करने पड़ेंगे, जब डाउनलोड कर रहे हैं इसके सेट करने। एक्चुअली में क्या है, आज की डेट में आप धीरे धीरे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है ना, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एचटीएमएल सीएसएस की, ग्रिड विड्थ पे वर्किंग के स्टाइल पता होने चाहिए, कैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे लगाते हैं। आपके पास मान लो मैंने एडोबे एक्सडी पे डिजाइन किया होता, ठीक है, या फिग्मा पे डिजाइन किया होता, तो उसमें क्या होता है, जब आप राइट क्लिक करते हैं ना तो पूरी की पूरी सीएसएस की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कभी देखना, आधे घंटे की वीडियोस देखो फिग्मा के बारे में, ठीक है, आधे घंटे की वीडियोस देखो एडोबे के बारे में, क्योंकि आप एडवांस टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं आज की डेट में, अब एआई का जमाना है, अब हो सकता है आगे जाते समय आपके पास टूल आ जाए एचटीएमएल सीएसएस के लिए, आपको एचटीएमएल सीएसएस लिखने की जरूरत ना पड़े, हैं ऐसे टूल, बस मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी कंपनीज ने उसे यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, गूगल यूट्यूब करना पड़ता है भाई, ये अपडेट टेक्नोलॉजीज है, आपको हर दिन आगे पढ़ना है, ठीक है, इसमें बने हुए डिजाइन है, उसमें क्या होता है आप राइट क्लिक करते हो ना पूरी सीएसएस आ जाती है। मेरे को ऐसे याद नहीं है यार, वो देखने पड़ता है ना, नाम भी देखो। सर, आपने जो लेआउट दिखाया है अभी उसके अंदर 1 2 3 4 नंबरिंग ऊपर से भी और नीचे से भी 1 2 3 4 है, वो कैसे मिल रही है? अरे वो तो अपने हिसाब से नंबर दे देते हैं, एक से लेकर 10 तक लिख दो उसमें, बाद में यहाँ पर भी आइकन चेंज करना होगा,
ठीक है, तो आगे इन फ्यूचर में आपको ये ध्यान देना है कि आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले एक साल या दो साल के अंदर टूल बन जाए HTML और CSS बनाने के लिए। ठीक है, कुछ टूल हैं, अभी खाली सिंपली नाम ले रहे हैं लोग कि ये टूल है। जैसे अगर आप हितेश चौधरी को अगर YouTube पे सुनते हो तो बंदा उसके नाम बता रहा है कि ये पर्टिकुलर टूल्स हैं जिसपे आप HTML सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि भाई एक बंदे पे फोकस होके आप IT पे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मुझे ही सब कुछ आता है, आप मेरे पास ही आके पढ़ो, ये गलत सिनेरियो है जो इंडिया के टीचर्स करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है। तो मैंने बोला ना अभी बच्चे पीछे से अल्लाह का, मैंने बोला इतना बड़ा हो गया मैं बताऊंगा कि भल्ला नहीं करता है क्लास में। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये चीजें खुद से सीखनी होती हैं। बहुत सारी चीजें में आप फंस रहे होंगे, प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिलेंगी, आपको गूगल करना पड़ता है। ठीक है, आपको कोई बनाकर नहीं दे देता है कि भाई ले तूने ऐसा बनाना है, ये मैं बनाकर देता हूँ, तो आप बना के यूज कर लेंगे। ये सिनेरियोस कभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको गूगल, यूट्यूब, नई नई साइट है किसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, ऐसा आप अपडेट होते रहते हैं। बनाते बनाते खुद ही अपडेट होने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा ऐसा नहीं कि अब टाइटल आपने कहा यार HTML CSS पढ़ लिया, चलो एक बार और रिवाइज करता हूँ। ठीक है, चलो आज यूट्यूब का किसी बंदे का, किसी ने कहा सर वो थापा टेक्निकल पढ़ लेते हैं, हितेश चौधरी पढ़ लेते हैं, सर कोई नया आ रखा है उसको पढ़ते हैं सर। ठीक है, वो अपना दीवी याद रखिए उसको पढ़ते हैं, ये वाला सिनेरियो पे नहीं जाते हैं। अब आप क्या करो, अब आप एक वेबसाइट को टारगेट करो। ठीक है, कि भाई इसके चार या पांच पेज मुझे बनाने हैं। लेट से आपने फेसबुक टारगेट किया, लेट से आपने अमेजॉन टारगेट किया कि भाई मुझे ये बनानी है। ठीक है, उसके पहले इस लेआउट को अपनी कॉपी में बनाओ और बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप फंसते रहोगे, कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं आएगी, गूगल सर्च करो। ठीक है, बनाते रहो, एक बार आपने बना ली ठीक है उसके बाद छोड़ दो, आपको आगे। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप भूलोगे ही भूलोगे। ठीक है, मान लो ग्रिड अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूं, ठीक है इस पे काम ना हो तो मैं भूलूंगा ही, गारंटी है 10-15 दिन के अंदर मैं भूल जाऊंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बस आपने एक बार बना लिया है तो आपको आ जाता है। जैसे होता है ना स्कूटर चलाना या साइकिल चलाना, आपने बचपन में कभी सीखा, ठीक है अब आप कभी भी किसी के घर में जाओगे 10 साल से नहीं भी चला रहे हो तो चला तो लोगे ही। ठीक है, ये ऐसा सिनेरियोस है। ठीक है, तो कोई भी एक पेज को, एक वेबसाइट को टारगेट करके, जैसे योगा की साइट, मंत्रा, अमेजॉन, ठीक है इस तरह की कोई भी एक साइट को टारगेट करके, या वीडियो की रिलेटेड चैटिंग साइट, जूम टाइप की कोई साइट को टारगेट करके कुछ भी आप ऐसा बनाना शुरू करें जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कुछ चीजों के नाम मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है आप क्लिक पाथ को देखें कि क्लिक पाथ क्या होता है। ठीक है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, क्लिक पाथ किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट का सिनेरियो है इसलिए आपको देखना खुद से पड़ेगा। अच्छा, अगला आप देख सकते हैं ब्लेंड मोड क्या होता है, ब्लेंड मोड इन CSS ये क्या चीज होती है, बैकग्राउंड कलर के साथ में चलती है, कुछ प्रॉपर्टीज जो आजकल दिखाई देती है। अगला आप देख सकते हैं फिल्टर प्रॉपर्टी की, फिल्टर प्रॉपर्टी क्या होती है आप देख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टीज ग्रिड पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखें, ग्रिड और फ्लेक्स पे। ठीक है, आप अगली प्रॉपर्टी देख सकते हैं जो आपने शायद देखी भी होगी, जेड इंडेक्स, काफी बार यूज हो रही होती है जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी, काफी बार सिनेरियो पर लिखना पड़ता है। आप जो प्रॉपर्टी का यूज देख सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं बॉर्डर इमेज। ठीक है, बॉर्डर पे अगर आपको इमेज लगानी है तो बॉर्डर इमेज करके प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस तरीके की हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। एक प्रॉपर्टी और है चेक्ड करके, एक प्रॉपर्टी है चेक्ड इन CSS। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका यूज भी कर सकते हैं। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है रिसाइज, रिसाइज की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास रिसाइज। ठीक है, रिसाइज इन CSS। तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको काम आ सकती है। ठीक है, रिसाइज की प्रॉपर्टी, शायद आपने रिसाइज की प्रॉपर्टी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज दोबारा से लॉग इन करना, आगे कंटिन्यू करते हैं। बस अब आपका टारगेट है कि कोई वेबसाइट टारगेट करो, बार बार पढ़ते मत रखो।